बेटा आपके पास यहाँ पे ये क्यू के बारे में पूछ रहा था, जिसमें आपने अगर क्यू के बारे में देखा जाए तो फ्रंट ऑफ क्यू और एंड ऑफ क्यू, ये क्यू को उठा के एरे में ले आओ, तो आपने कहीं से कोई भी डेटा डाल दिया। मैंने D3, 4, D1, D2 एंड D5, शर्त बस ये रहेगा ऑर्डर में रहेगा। हाँ, अब फ्रंट ऑफ क्यू जिसको पॉइंट कर रहा था वो फ्रंट ऑफ क्यू अभी भी रहेगा, तो मेरा फ्रंट ऑफ क्यू कहाँ पे आना चाहिए? 3 3 पे। और एंड ऑफ क्यू कहाँ पे आ रहा है? 7 सेवन पे। ये इसके ऐसे 3 मार्क्स दिए थे, यहाँ इतना नहीं था। मेन मसला आता है इस क्वेश्चन के अंदर, अ मॉड्यूल एड टू विल एड अ वैल्यू टू द क्यू बाय मैनिपुलेटिंग द एरे एंड वेरिएबल्स इन पार्ट ए, द क्यू इम्प्लीमेंटेशन इज सर्कुलर। सर्कुलर का मतलब क्या हुआ कि अगर वो 8 के बाद इंक्रीमेंट होकर 9 पे पहुंचता है तो वो उठ के वापस कहाँ आ जाएगा? 1 पे आ जाएगा। पर 9 कैसे होगा, क्योंकि वो तो 8 तक ही है। हाँ, तो वो +1 करके ऊपर शुरू में वापस ले जाएगा ना, अब वो अलग, इसने इंक्रीमेंट ये पहले करवा रहा है इस वजह से। तो मतलब बिफोर अ इफेक्ट वैल्यू, क्यों, अच्छा एक सेकंड से, बिफोर अ वैल्यू कैन बी एडेड टू द क्यू इट इज नेसेसरी टू चेक द क्यू इज नॉट फुल, द एल्गोरिदम टू एड अ वैल्यू ऑफ द क्यू इज एक्सप्रेस इन 6 स्टेप, इफ नंबर आइटम इज इक्वल्स टू व्हाट देन जंप टू स्टेप 6। बेटा आपने सबसे पहले क्या चीज चेक करनी है बिफोर एडिंग एन आइटम टू अ क्यू, उसको चेक करना है कि वो फुल है या नहीं है। सो फर्स्ट इफ नंबर आइटम इज डैश, बेटा आपकी क्यू की टोटल कितनी वो है स्पेस? 8 8। तो हम देख सकते हैं इफ नंबर आइटम इज इक्वल्स टू 8 देन जंप टू स्टेप 6, मतलब प्रोग्राम पीछे क्यू तो को। अभी हमने ये पूरा फिल किया है एरे को, अभी तो ये पूरा फिल नहीं हुआ है ना, अभी तो 1 2 हाँ और 8 खाली। हाँ तो नंबर ऑफ आइटम्स की वैल्यू क्या है? अभी 5 है। सही सही। सही है, अगर ये 8 हो गई तो मतलब ये सारा फिल हो जाएगा, तो अब मेरे पास ज्यादा नहीं है तो क्यू फुल है। सही सही। है। नाउ इंक्रीमेंट डैश, बेटा आपको एक चीज हमेशा, मैंने अब देखो करंट ये सिचुएशन है मेरी, मेरा एंड ऑफ क्यू किस क्या शो कर रहा है? 7 पे। मुझे नंबर ऑफ आइटम ऐड करना है, तो मैं हमेशा क्या करता था, याद रखना कि जब भी आइटम क्यू में ऐड करोगे तो कहां पे ऐड होता है? एंड ऑफ क्यू मतलब आपकी क्यू की टेल, तो आप एंड ऑफ क्यू को पहले क्या करोगे? +1। अभी तो यहां इनको पर है ना ये, तो +1 करोगे तो कहां जाओगे? एट पे तो मुझे इंक्रीमेंट क्या करना है? एंड ऑफ क्यू। नाउ इफ डैश, अब सपोज करो मैंने ये डेटा कुछ इस तरीके से लिखा होता, तो मेरे पास यहां पे वैल्यूज क्या आ जाती? 4 और 8। अब मैं अगर एंड ऑफ क्यू को इंक्रीमेंट करवाता हूं तो 8 + 1 क्या हो जाएगा? 9। नाइन तो मुझे इसको वापस ना ले जाना चाहिए फिर एंड ऑफ क्यू को, वन पे डेटा नया यहाँ पे आएगा ना, तो यही क्या सिचुएशन यहाँ पे कह रहा है, इफ डैश देन सेट एंड ऑफ क्यू टू 1। क्या इफ एंड ऑफ क्यू इज इक्वल्स टू 9, 9 पे पहुंच गया, इंक्रीमेंट करवाया ना मैंने पहले, तो वो 9 पे पहुंच गया, अगर 9 पे पहुंच गया तो क्या कर दो? 1 पे कर दो। मैंने बेसिकली तो इन दो नाइन स्टेप्स, पे जाने के बजाय 1 पे चला जाएगा ना। एग्जैक्टली 9 पे तो जगह ही नहीं ना मेरे पास। सही। अब जब मेरे पास मैंने दोनों चीजों को आइडेंटिफाई कर लिया है कि मुझे कहाँ डेटा इंसर्ट करना है, तो मैं अब किस चीज को इंक्रीमेंट करवाऊंगा? एंड ऑफ क्यों कोई एंड ऑफ क्यू को तो करवा चुका हूँ बेटा, तो मैं खाली जगह क्यों जाने दूँ? ये तो फिर खाली हो जाएगा, 2 पे चले आऊंगा मैं। आइटम अब ऐड, अब तो कंफर्म हो गया ना कि आइटम ऐड होगा, तो इंक्रीमेंट क्या करा दो? नंबर आइटम्स की वैल्यू कि अभी अगर 5 है तो उसको कहाँ पे ले जाओगे? 6 पे 6 पे, 6 आइटम्स ऐड होगा। इज इट क्लियर या नहीं? और ये नंबर आइटम्स वाला नहीं हुआ। बेटा आपने, अब देखो मैंने नंबर ऐड नहीं कराया, लेकिन मैंने अपने एंड ऑफ क्यू को कहाँ ले आया हूँ? मैं यहाँ पे ई ओ क्यू लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ पे ले आया, और ये मेरा है F O Q।
तो मेरा आइटम मैंने अभी नहीं डाला ना, लेकिन आइटम ये डालना तो है ना, कंपलसरी है, क्योंकि क्यू फुल नहीं थी। तो मैं अपने नंबर ऑफ आइटम्स, अब 5 जगह कितने हो गए मेरे, 6 हो जाएंगे। 6 हो गए ना, तो मैंने इंक्रीमेंट करा दिया बस, ये सही है नंबर सही। आइटम बढ़ गया। तो क्या करो, सेट द डैश एट द इंडेक्स स्टोर्ड इन डैश टू द डैश बीइंग एडिट। नाउ याद रखना, जब भी सेट करना हो आपको कोई किसी चीज के इंडेक्स पे, एरे की बात हो रही है, आप क्या चीज ऐड करोगे, सेट दी एलिमेंट, आप एलिमेंट ऐड करोगे कौन सा इंडेक्स पे, इंडेक्स कहाँ स्टोर्ड है हमारे पास, एरे में नहीं कौन सी वैल्यू, हम नया डेटा जो डालेंगे वो उसकी जगह, वो कौन सी जगह पे पड़ा हुआ है, किसी वेरिएबल में पड़ा है ना, वो वेरिएबल का नाम क्या है, पीछे देखा। अच्छा मेरा हाँ, एंड डेटा ऑफ क्यू। हमेशा एंड हाँ ऑफ क्यू सर वाली जगह पे सेंटर रहता है। सो जी। सेट द एलिमेंट एट द इंडेक्स स्टोर्ड इन एंड ऑफ क्यू टू द, क्या चीज ऐड करनी है आपने, डेटा सही डेटा कह लो, वैल्यू कह लो, या आइटम कह लो, है। ठीक डेटा या आइटम बीइंग ऐड, बस कुछ क्लियर हुआ। जी हुआ। मतलब सिमिलरली यहां जो पे डेटा है वो हमारा स्टोर होगा एंड ऑफ क्यू में और निकलेगा हाँ ना, फ्रंट ऑफ क्यू। हाँ जाता हमेशा फ्रंट ऑफ क्यू से, फ्रंट ऑफ क्यू से निकालने के बाद फ्रंट ऑफ क्यू को हम इंक्रीमेंट करा देते हैं। सही है सही। सही है और जब नाउ, एंड ऑफ क्यू मतलब पूरा आप सर्कुलर घूम के वन पे आ जाए तो हम नंबर ऑफ आइटम्स को इंक्रीमेंट करेंगे। हाँ नंबर आइटम सही। जरूरी जहां पर आए, तब भी मेरे पास अगर ये डेटा आइटम मेरे पास कुछ यूं भी पड़ा होता, सही है, तो मैं जैसे ही डेटा चेक किया क्यू फुल है, नहीं नंबर ऑफ आइटम फुल नहीं है, तो मैंने क्या किया एंड ऑफ क्यू को बढ़ा दिया, एंड ऑफ क्यू को उठा के मैं यहाँ ले आया। जब मैं यहाँ ले आया तो मतलब मेरा आइटम आएगा ही आएगा ना, जो भी आइटम आएगा तो उसको सिक्स कर दो ना, क्योंकि अब कितना आइटम है, 1 2 3 4 5, अभी आया नहीं है लेकिन आएगा तो सही ना, कंपलसरी है अब आना, क्योंकि तब वो एंड एट ऑफ में क्यू जाके स्टोर हो जाएगा ना, जो भी नया आएगा, जी बेटा जो भी नया आइटम आएगा वो एट में जाके स्टोर हो जाएगा एट में ना। जाके स्टोर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि मेरी एंड ऑफ क्यू की वैल्यू 8 है। सही समझ गया समझ आ गया, जी। अब आ जाओ लिंक लिस्ट, स्टैक वाला खुद से कर लेना, नहीं आया समझ तो पूछ लेना। ये मेरे पास पॉइंटर 1 और पॉइंटर 2 है, पॉइंटर 1 पॉइंटर 2 का डेटा जो आ रहा है वो आपके पास यहां से आ रहा है, कि आपका जो पॉइंटर 1 है वो स्टार्ट पॉइंटर है, दिस इज योर स्टार्ट पीटीआर एंड दिस इज योर प्री पीटीआर। ये बताता है कि डेटा कहाँ जाएगा, और ये डेटा बता, ये बताता है कि मेरी लिंक लिस्ट कहाँ से शुरू हो रही है, ऐसा ही है। जी मैं चलो यहां से ही कर देता हूँ, समझा, मेरे पास ये मेरा स्टार्ट पॉइंटर है और ये मेरा प्री पॉइंटर है। स्टार्ट पॉइंटर कह रहा है कि पहला डेटा कहाँ पड़ा हुआ है, D40 पे, तो अगर इसको यहाँ पे चेक किया जाए तो मेरा स्टार्ट पॉइंटर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जहां पे एरे में क्या लिखा होना चाहिए, D40 D40 एरे में क्या लिखा हुआ है, 4 पे 4 पे, तो स्टार्ट पॉइंटर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 4। नाउ D40 किसको पॉइंट कर रहा है, D32 को तो D40 किसको पॉइंट करेगा, जो D32 का वो है क्या नाम है, वन को इंडेक्स पॉइंट है, करता। D32 का इंडेक्स क्या है, 1 है, मतलब ये D40 कह रहा है मेरे पास डेटा कहाँ पड़ा है, 1 पे, तो मैं 1 पे आ गया। स्टार्ट पॉइंटर कह रहा था मेरी लिंक लिस्ट शुरू हो रही है 4th वाली पोजीशन से, अब जब मैं 1 पे आ गया, D32 पड़ा हुआ है, D32 के बाद नेक्स्ट डेटा पड़ा है D11, D32 कह रहा है मेरे पास डेटा है 2 पे, तो 2 पे क्या आ जाना चाहिए, D32 के D11 बाद जो पॉइंट है D11, D11 किसको पॉइंट कर रहा है, D100 को तो D11 के बाद डेटा कहाँ पड़ा है, 3 पे, 3 पे क्या आ जाएगा, D100 D100, D100 कहता है मेरे आगे कोई डेटा नहीं नहीं है। है,
ये तो हमारा हो गया स्टार्ट पॉइंटर। अब फ्री पॉइंटर को लेकर चलते हैं। फ्री लिस्ट पॉइंटर कह रहा है कि मेरी पास जो डेटा नया नेक्स्ट पोजिशन में जो डेटा आएगा वो कहाँ पे आएगा, फिफ्थ पे। तो ये फ्री लिस्ट पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है, एफ F1 वन को, को। तो फ्री लिस्ट पॉइंटर कह रहा है फिफ्थ पे, तो फिफ्थ पे क्या आ जाएगा, F1 F1। F1 के बाद डेटा कहाँ पे मौजूद है, F2। तो F2 ये सिक्स रहा, पे तो सिक्स हो पहुंच गया। F3, F4, 8 और 5। ये चीज क्लियर है। सही है, क्लियर है। नाउ F3 यहां पे ये, F4 को पॉइंट करेगा तो हमने 8 किया है ना। हाँ F3 F4 को पॉइंट कर रहा है ना, F3 के बाद F4। बचा ही नहीं था ना जगह, ये यहाँ पे हमारे पास। जी, समझ गया। नाउ यहाँ पे ये कहता है द ओरिजिन लिंक्ड लिस्ट इज टू बी मॉडिफाइड, अ न्यू नोड D6 इज इंसर्टेड बिटवीन नोड 32 एंड D11। तो बेटा अगर इसको मैं यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन बताऊं तो बेसिकली आपका ये लिंक टूट जाएगा। D32 किसको पॉइंट करना चाहिए अब, D6 D6 को, और D6 किसको पॉइंट करेगा, D11 को, क्योंकि D32 और 11 के बीच में ये आ रहा है। यहाँ पे ये रिप्रेजेंटेशन दिखानी है। तो बेटा नया डेटा जो भी आता है लिंक्ड लिस्ट में उसको कौन सी पोजीशन पे जाता है, उसको कौन कौन शो कर रहा होता है, क्यू एंड ऑफ क्यू क्यू कहाँ से आ गई, लिंक्ड लिस्ट क्यू नहीं है, ये लिंक्ड लिस्ट है ढक्कन, अच्छा, पीछे वो स्टैक ये क्यू थी। था। अच्छा, ये लिंक लिस्ट है, सही सही लिंक लिस्ट में हमेशा डेटा आता है जो फ्री लिस्ट पॉइंटर जो जगह शो करता है। फ्री लिस्ट पॉइंटर F1 शो कर रहा है, जी हाँ, सही है। तो हमें असाइन की डेटा आइटम, डेटा आइटम कौन सा आ रहा है, D6, D6 कौन सी पोजीशन पे जाएगा, प्री पॉइंटर वाली, F1 फ्री वाली। पॉइंटर किसको, F1। तो असाइन दी डेटा आइटम D6 टू F1। तो ये सब्स्टिट्यूट हो रही है ना यहाँ पे। हाँ कह लो बेसिकली इस जगह पे जाएगा। अब ये तो उसने रिप्रेजेंटेशन नोड की बनाई थी ना, हमें तो एरे में दिखाना है। तो बेसिकली यहाँ पे F1 किसको, यहाँ पे आ जाएगा क्या चीज, D6। सही है, सही है, सही F1 वाली जगह पे क्या आ जाएगा, D6। तो यहाँ पे यही मैंने यहाँ पे किया है, असाइन की डेटा आइटम D6 टू F1। नाउ क्या करना है अब, ये D6 किसको पॉइंट करना चाहिए, साथ कहाँ कंफ्यूज हो रहे हो बेटा, वो D11 को पॉइंट करना चाहिए। तो ये कह रहा है सेट द डैश ऑफ दिस नोड, मतलब इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है ना, किसका नोड, D6 का, पॉइंट टू। तो सेट दी पॉइंटर, पॉइंटर क्यों सेट करेंगे? बेटा आपके पास देखो ना, यहां पे ला था कि मैंने D6 डाल दिया। अब ये D6 का जो ये नेक्स्ट पॉइंटर एरे है, ये किसको पॉइंट करना चाहिए, जो उसका आगे वाला वेरिएबल था D11। सॉरी D11 की वैल्यू क्या है, D11 की वैल्यू 2 है। तो मैंने यहाँ पे कहा सेट द पॉइंटर एरे ऑफ दिस नोड, नोड कौन सा, जो अभी मैंने ऐड किया है ना, तो पॉइंट टू किसको पॉइंट करना है। D11 नाउ सेट द पॉइंटर टू टू पॉइंट टू, ये पॉइंटर टू अब किसको पॉइंट करेगा, ये जगह खत्म हो गई, D6 नहीं ये पॉइंटर टू, पॉइंटर टू फ्री लेस पॉइंटर, मेरे पास नेक्स्ट एम्प्टी स्पेस कहां पर है अब, नेक्स्ट F2 पे। F2 पे। तो सेट द पॉइंटर टू टू पॉइंट टू F2। नाउ अब मेरे पास, मैंने क्या कर लिया देखो, मैं रेड से ये जो हाईलाइट करता है मैंने ये हटा दिया, मैंने ये मार्क कर दिया,
सेट द पॉइंटर ऑफ डैश टू पॉइंट टू दिस, मेरे पास अब क्या चीज रह गई है रिमेनिंग? इस पूरे प्रोसेस में बेटा एक चीज है जो अभी भी मैंने नहीं की है, वो क्या रह गया है? ग्रीन से मैंने बनाया है, देखो क्या बनाया है ग्रीन से। वो क्या नाम है, D6 पर डी चीज। D32 D6 को पॉइंट अभी तक मैंने फिलहाल नहीं करवाया ना। सही। देखो मेरी अगर मैं लिंक्ड लिस्ट देखूं तो मेरे पास शुरू हो रही है 4 से, D40 कह रहा है मेरे पास डेटा 1 पे जाओ, तो 1 पे 32 पे चला गया, 32 कह रहा है 2 पे जाओ तो 2 पे 11 है, 11 कह रहा है 3 पे जाओ, 3 पे क्या है D100 है, D100 कह रहा है मेरे आगे कोई डेटा नहीं है, तो बेटा जो मैंने D6 ऐड किया वो तो हुआ ही नहीं, तो मेरा होना क्या चाहिए कि D32 इंस्टेड ऑफ पॉइंटिंग टू 100 इट शुड पॉइंट टू D6। D32 कह रहा है मेरे पास डेटा कहाँ मौजूद है, D6। D6 कह रहा है मेरे पास डेटा कहाँ मौजूद है, D11। और फिर D11 कह रहा है D100, 100 कह रहा है मेरे आगे कोई डेटा नहीं है, तो अब D6 आ गया। आ तो गया। बेसिकली मुझे करना क्या है, सेट द पॉइंटर ऑफ डैश, किसका पॉइंटर किसको पॉइंट करना चाहिए, D32 का D6 D32 का D6 को, बस सही। बड़ा कंफ्यूजिंग है लेकिन आगे। लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर करो, अपना वीडियो देख लो एक बार। सर वो तो हो गया, बट ये थोड़ा सा अरे ये वही ना अगेन, वो डैशिंग कॉन्सेप्ट तुम्हारा थोड़ा सा वीक है। वाला। चलो सर सही है, शुक्रिया। ओके ओके अल्लाह हाफिज। लास्ट बेटा।